तो दोस्तों, जब सबसे बड़े त्याग की बात आती है तो पन्ना धाय का नाम सामने आता है। चित्तौड़गढ़ की धरती में जन्मी पन्ना धाय एक ऐसी महान नारी थी जिन्हें अपनी स्वामी भक्ति और कर्तव्य निष्ठा के लिए आज भी याद किया जाता है। पन्ना धाय मेवाड़ राजकुल की राजधात्री थी। पन्ना को महाराणा संग्राम सिंह के पुत्र उदय सिंह की धाई नियुक्त किया गया था। महाराणा संग्राम सिंह के स्वर्गवास होने पर चित्तौड़गढ़ की गद्दी पर राणा विक्रमादित्य बैठे, परंतु विक्रमादित्य एक अयोग्य राजा सिद्ध हुए। उनमें शासन करने की योग्यता न थी, इसीलिए चित्तौड़ के सामंतों और मंत्रियों ने सलाह करके उनको गद्दी से उतार दिया तथा महाराणा संग्राम सिंह के छोटे पुत्र उदय सिंह को चित्तौड़ का महाराजा घोषित किया गया। उदय सिंह उस समय केवल 6 वर्ष के थे। उनकी माता रानी करुणावती का स्वर्गवास हो चुका था। पन्ना धाय ही उनका पालन पोषण करती थी। राज्य का संचालन दासी पुत्र बनवीर करता था। उसे उदय सिंह का संरक्षक बनाया गया। बनवीर एक बुरे स्वभाव के व्यक्ति था। उसने राजकुमार को मारने और खुद को चित्तौड़गढ़ का राजा बनाने का षड्यंत्र किया। उसने सोचा कि यदि विक्रमादित्य और उदय सिंह को मार दिया जाए तो वह चित्तौड़ का राजा बन जाएगा। सेना और राज्य का संचालन तो उसके हाथ में था ही। एक दिन रात में बनवीर तलवार लिए राजभवन में गया और उसने सोते हुए राजकुमार विक्रमादित्य का सिर काट दिया। राजभवन के एक सेवक ने बनवीर को विक्रमादित्य की हत्या करते हुए देख लिया। वह शीघ्रता से पन्ना धाय के पास गया और उन्हें सारी बात बताई और कहा कि बनवीर राजकुमार उदय सिंह की हत्या करने शीघ्र ही यहां आएगा, कृपया बालक उदय सिंह के प्राण बचा लीजिए। पन्ना धाय अकेले बनवीर को कैसे रोकती, इसीलिए उन्होंने सोचा कि उदय सिंह को किसी तरह छिपाकर महल से बाहर भेज दिया जाए। लेकिन उदय सिंह को छिपाकर भेज देने से भी काम नहीं चलता। पन्ना ने सोचा कि अगर बनवीर को पता लग गया कि उदय सिंह को छिपाकर भेज दिया है तो वह घुड़सवार भेजकर उन्हें अवश्य पकड़ लेगा। इसीलिए पन्ना ने एक दूसरा उपाय सोचा। पन्ना धाय का भी एक नन्ना बालक था जिसका नाम चंदन था। उदय सिंह और चंदन समान वर्ष के थे। पन्ना धाय ने अपने पुत्र को उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को उस सेवक के हाथ महल से बाहर भेज दिया। जब बनवीर रक्त से सनी तलवार लिए वहां आया और उसने पूछा कि उदय सिंह कहां है, पन्ना ने बिना कुछ कहे राजकुमार की पलंग पर सोए अपने पुत्र की तरफ संकेत कर दिया। बनवीर ने उसे ही उदय सिंह समझकर मार डाला और वहां से चला गया। अपने स्वामी की रक्षा के लिए अपने पुत्र का बलिदान करके बेचारी पन्ना धाय रो भी नहीं सकी। वह झटपट महल से निकलकर नदी किनारे पहुंची जहां वह सेवक बालक उदय सिंह के साथ पन्ना धाय का इंतजार कर रहा था। पन्ना ने अपने पुत्र की लाश नदी में डाल दी और उदय सिंह को लेकर वहां से चली गई। पन्ना धाय को अनेक स्थानों पर भटकना पड़ा। बनवीर के चलते कोई भी पन्ना धाय को आश्रय देने से डर रहा था। अंत में वे कुंभलगढ़ पहुंची। कुंभलगढ़ का किलेदार आशा देपुरा नामक एक महाजन था। वह भी बनवीर के भय से भ्रमित होने लगा। जब आशा देपुरा की मां को ज्ञात हुआ कि पन्ना उदय सिंह को लेकर आई है, तब उन्होंने अपने पुत्र आशा देपुरा को समझाया कि हम पर महाराणा संग्राम सिंह के बहुत उपकार हैं। उनका राज्य एक दासी पुत्र ने हत्या लिया है, इसीलिए तुम अपने कर्तव्य का पालन करो और अपने स्वामी के पुत्र की रक्षा करके उनके उपकारों का बदला चुकाओ। आशा देपुरा राजी हो गया। उसने पन्ना को वचन दिया कि जब तक वह जीवित है राजकुमार उदय सिंह को कुछ नहीं होगा, वह उनकी रक्षा करेगा। आशा देपुरा ने कोठरिया के सामंत रावत खान को राजकुमार उदय सिंह के कुंभलगढ़ पहुंचने की सूचना भिजवाई। रावत खान तत्काल कुंभलगढ़ पहुंचे तथा मेवाड़ के समस्त सरदारों को कुंभलगढ़ आने को आमंत्रित किया। सभी ने उदय सिंह को मेवाड़ का नया महाराजा स्वीकार किया। इसके बाद मेवाड़ के समस्त सरदारों ने अपनी अपनी सेना लेकर चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया और दुष्ट बनवीर मारा गया। इस प्रकार पन्ना धाय के अदम्य साहस, स्वामी भक्ति एवं पुत्र बलिदान के कारण ही मेवाड़ राजवंश की रक्षा हुई, जिसमें आगे चलकर महाराणा प्रताप और महाराणा राज सिंह जैसे पराक्रमी महाराणा हुए जिन्होंने अकबर से लेकर औरंगजेब तक के मुगल बादशाहों से भीषण टक्कर ली और अपने धर्म और राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। मेवाड़ के इतिहास में जिस गौरव के साथ प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप को याद किया जाता है, उसी गौरव के साथ पन्ना धाय का नाम भी लिया जाता है। धन्य है भारत देश जहां पन्ना धाय जैसी वीरांगना ने जन्म लिया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एवरी स्टफ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
ताकि भारत के असल इतिहास की ऐसी और वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। जय हिंद।